अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज असद अब्बास, आई एम योर फिजिक्स टीचर। टुडे आवर टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो चल रहा है, उसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि बॉडी उस वक्त तक इक्विलिब्रियम में होती है जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही होती। इसी तरह से इक्विलिब्रियम को मजीद डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि उसकी तीन स्टेट्स यहाँ पर आज हमने पढ़ने की कोशिश की है। तो उनमें से ये देखें कि पहली स्टेट जो है हमारे पास होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरी स्टेट जो है हमारे पास होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेम इसी तरह से तीसरी स्टेट जो है हमारे पास होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या होती है भाई? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से आप देखिए कि अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ हम यूं आएंगे कि पहले आपको इक्विलिब्रियम का पता हो। इक्विलिब्रियम हमने कहा है कि उस वक्त तक है जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल जो है कोट करते हैं कि हमारे पास एक फोटो है, फोटो फ्रेम है, वो अगर दीवार के ऊपर लटकी हुई है तो उस वक्त वो इक्विलिब्रियम हालत में होती है। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर नेट फोर्स अमल नहीं कर रही होती। दोबारा सुन लें कि नेट फोर्स अमल ना करे क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी जो है फोर्सेस अमल कर रही होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेट फोर्स की। जहां पर हमारे पास नेट फोर्स जो है जीरो होगी उस वक्त वो ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम हालत में होगा। इसी तरह से देखें आप के अगर ये फ्रेम है, ये फ्रेम ये लटकी हुई है एक धागे की मदद से, तो जब आप स्प्रिंग की बात करते हैं, धागे की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक फोर्स पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं टेंशन का, और इसकी डायरेक्शन जो है ये अपवर्ड होती है। और ये जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं इसका जो वेट होता है जिसको आप W is equal to mg कहते हैं, दैट डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। इसी तरह से अब हम बात करेंगे इसकी स्टेट्स की। स्टेट्स में हम क्या कहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है इक्विलिब्रियम में, लेकिन उसकी थोड़ी सी नेचर हम चेंज कर रहे हैं कि कुछ स्टेबल हैं, कुछ जो है अनस्टेबल हैं, कुछ जो है न्यूट्रल है। अब जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसमें हम ये करेंगे कि बॉडी जो है सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कब? इफ आफ्टर अ स्लाइट डिप इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। इससे मुराद ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हल्का सा टिल्ट किया जाए, हल्का सा टिल्ट से मुराद ये है कि उसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है उससे उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए। जब आप डिस्टर्ब करोगे तो डिस्टर्ब करने के बाद उसको आपने फ्री करना है। जैसे आपने फ्री करना है तो फ्री करने के बाद अगर वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आती है तो इससे मुराद ये है कि वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर वो प्रीवियस में नहीं आती तो इससे मुराद ये है कि वो हमारे पास क्या है? अनस्टेबल है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने बुक की एग्जांपल ली थी, ये हमारे पास टेबल है, ये बुक है, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर उठाया, उठाने के बाद इसको जैसे हमने फ्री किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। तो इस वक्त हम इसे कह सकते हैं कि जो बॉडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसी तरह से अगर इसकी थोड़ी सी हम पोजीशन चेंज कर लें, अब ये बुक है हमारे पास, पहले बुक जो है ये वर्टिकल फॉर्म में है, अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह ढलवान की तरफ ले आते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, नीचे करने के बाद हम ये देखते हैं कि जैसे उसको फ्री करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ये अपनी ओरिजिनल जो वर्टिकल पोजीशन थी उसमें आ गई, तब भी ये क्या है? स्टेबल है। इसी तरह से अगर ये बिल्कुल ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल में लेके आए फिर छोड़ा आपने, फिर वही मतलब कि अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाती है। तो इसलिए इन तीनों डायग्राम्स में हम ये शो कर रहे हैं कि ये तीनों बॉडीज जो है हमारे पास स्टेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल में हम क्या करेंगे? इसके थोड़ा सा उलट है कि बॉडी जो है डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट। इससे मुराद ये है कि अगर आप बॉडी को हल्का से टिल्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं उसके ओरिजिनल पोजीशन से, तो वो क्या करे? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, तो इस वक्त हम इसे कहेंगे अनस्टेबल। अब यहां पर हम एक पेंसिल की एग्जांपल लेते हैं, तो पेंसिल की एग्जांपल आप किस तरह से लेंगे? पेंसिल है, आपको पता है ये एक वर्टिकल फॉर्म होती है, ठीक है जी। वर्टिकल फॉर्म में हमने पेंसिल को रखा हुआ है, तो जैसे आप इसको छोड़ते हैं, छोड़ने से ही ये देखिए कि पहले वर्टिकल थी अब हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो इससे
प्रॉब्लम यह है कि अपनी ये ओरिजिनल पोजीशन जो है उसको मेंटेन नहीं रख सकती। जैसे हमने पढ़ा है कि डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, अगर वो अपने प्रीवियस में रिटर्न नहीं हो रही तो सिंपली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बॉडी जो है यहाँ पर अनस्टेबल पोजीशन में है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो एक तीसरी पोजीशन बची है जी, तो हम तीसरी इसकी जो स्टेट थी उसी की तरफ आ रहे थे। तो तीसरी स्टेट है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि वो अपने हेडिंग से ही शो कर रहा है कि वो एक न्यूट्रल चीज है। न्यूट्रल से मुराद ये होता है कि यहाँ हम क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम है, उसी में ही हम रहेंगे। इसमें हम मुझे ये देखते हैं कि इफ ए बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजिशन, क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि जब हल्का सा टिल्ट किया जाए, हल्का सा डिस्टर्ब किया जाए उस ऑब्जेक्ट को, तो उस डिस्टर्बेंस के बाद ऑब्जेक्ट जो है हर मर्तबा हर पोजीशन पे अपनी न्यू पोजीशन जो है क्रिएट करे। जब न्यू पोजीशन क्रिएट करेगा तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो स्टेट है उसको हम नाम दे सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए दोबारा देख लेते हैं इसे कि बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन कब, व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट को हम पिछली हालत से प्रीवियस हालत से डिस्टर्ब करते हैं तो हर पॉइंट के ऊपर वो अपनी न्यू पोजीशन जो है शो करता है। न्यू पोजीशन शो करता है तो इसलिए हम इस हालत को, इस स्टेट को कह सकते हैं कि ये वाली जो है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो इट इज सेट टू बी एन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर आप एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल हम यहाँ पर ये कोट करते हैं कि हमारे पास एक टेनिस बॉल, टेनिस बॉल में हम क्या करते हैं कि इसको मूव कराते हैं, इसको मूव कराते हैं, इसको मूव कराते हैं, तो हर मर्तबा मूव कराने के बाद हमारे पास जो पोजीशन आई है वो न्यू थी। वो क्या थी, न्यू थी। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने ये पढ़ा है कि स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं, और इस टॉपिक में किसी भी हवाले से आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग रेडी हैं। सो आज के लिए थैंक यू।